ये वाली भी पानी में सारी आगे और वो वाली भी सारी जा रही है। अच्छा अभी क्या चाहते ना कि ग्रीन ग्रीन प्रोजेक्ट है चाहते तो पीछे। अच्छा हमारा यही मसला है कि ये ग्रीन प्रोजेक्ट है तो ग्रीन में लेकर ड्रोन में क्यों ला। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। लेंगे अपना हक छीन के लेंगे अपना हक छीन के लेंगे अपना हक छीन के लेंगे अपना हक। नेशनल हाईवे 40 एक्सप्रेस हाईवे बाइक सुना बाकी दिन हुआ हमारी अब ये ऊपर से निकल गया है तो जहाँ पे मैम पिछले 15-20 दिनों से एक जायज़ हक के लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी भी तरह का कोई भी आश्वासन अभी तक इनको नहीं दिया गया। आज एक उम्मीद सी जगी आपके द्वारा, तो आप क्या कहना चाहेंगी इससे? नहीं नहीं मैंने अभी उनके सबकी बात सुन ली है। मैंने इनके साथ विचार विमर्श भी किया है, थोड़ी बात उनको समझ के लिए। आज इनके लिए मैंने निवेदन पत्र लिया हुआ है। ये निवेदन मैंने उनको एक गाइडलाइन के हिसाब से जहाँ पे उनके मैं अभी इनके अधिकारियों से मैं आज बात करूँगी जो उनके रोड मैप बने हैं जो अभी नितिन गडकरी के जो है मतलब मिनिस्टर्स हैं हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उनके जो जिनके पास अधिकारी उनके पास जो जिम्मा दिया है मैं उनके पास बात करूँगी उनसे मैसेज पहुँचाऊँगी इनका जो भी ये है फिर वहाँ से मैं सीधा गवर्नर जी से बात करूँगी इसके लिए इनका जो मसला है इनका जो मैसेज मैं कन्वे करवाऊँगी गवर्नर साहब जी से उनके विचार विनिमय करूँगी। मैम एक ही तरह के रूल एंड रेगुलेशन JKUT में लागू किए जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह पर मुआवजा ज़्यादा दिया जाता है और दूसरी जगह पर इन लोगों के साथ इस तरह का जो भेदभाव किया जाता है ऐसा क्यों? वो मैं पता करवाऊँगी क्योंकि मैं अभी कल मुझे एक मैसेज आया कि आज इनको मिलना है। मैंने पार्टी हमारे जो नेता हैं उनके साथ मैंने डिस्कस किया है। उन्होंने बोला मैडम आप मिलते आओ उनके साथ जो भी बात करके आओ क्योंकि मैंने सुना था BJP के यहाँ के कोई आके नहीं गए हैं। तो मैंने हमारे पार्टी पदाधिकारियों से बात की जो हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ थे उनके साथ बात की है। आज इनके मैंने सब बातें सुनती होंगी मैं इनसे बात इवनिंग में बैठूंगी डिस्कस करूंगी फिर मैं बताऊंगी क्या करना है। राणा साहब किस तरह का आश्वासन मैडम के द्वारा दिया गया आज यहाँ की जनता को? देखिए आज हम BJP की नेशनल कमेटी एग्जीक्यूटिव मेम्बर जो रशंदा मैम जी हैं वो आज यहाँ पे छनरोड़िया में आई। उन्होंने आज इनसे मिलके एक आश्वासन दिया है कि जो इनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है जो इनको सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है उस मुआवजे पे उन्होंने उनका आश्वासन दिया है कि इनका जितना भी जो है वो सब LG के पास जाके बकायदा बैठ के उनसे मशवरा करके इनको इंसाफ दिलाएंगे क्योंकि ये काफ़ी दिनों से यहाँ बैठे हैं। इनको बिना इंटीमेशन करके इनके घर तोड़े गए हैं इनकी दुकानें तोड़ी गई हैं ये बड़ी गलत बात है। कम से कम इनको अच्छा मुआवजा दिया जाए जिससे ये कहीं और भी जाएं कम से कम एक ज़मीन दी जाए जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन कर सके ना ही इनको ये 3-3 लाख रुपये दे के जो 27 लाख की ज़मीन है 3 लाख रुपये दे के इनको यहाँ से निकाला जाए ये बेइंसाफ़ी है। ये बेइंसाफ़ी हम होने नहीं देंगे और यही मैडम ने भी यही बोला है कि मैम जी रशीदा मैम ने यही बोला है कि इनका ये मैटर जो है ये LG सामने रखेंगे और इनको पूरा इंसाफ मिलेगा। मैं आपका मीडिया कर्मी का होगा बहुत स्वागत करता हूं और हमारे सेंटर के जो मैडम आए हुए हैं और जो हमारे नवनो मोर्चा के अध्यक्ष जी आए हैं उन पूरी टीम आई है
राज रतन राणा जी अध्यक्ष हैं हमारे जम्मू कश्मीर नमो नमो मोर्चा के, हमारे हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ नमो नमो मोर्चा का। हमें यही आश्वासन मैम की तरफ से दिया गया है कि आपकी जो दुकानें आ रही हैं, जो आपके मकान आ रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इनको बचाया जाए। तो ये जो ग्रीन प्रोजेक्ट है उसको ग्रीन में निकाला जाए, ये भी हमने उनके आगे डिमांड रखी है। और उन्होंने हमारी हमसे हमें आश्वासन ही सही लगा, हमें उनका बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। तो हम यही अपील की है उनसे कि लोगों की दुकानें और घर बचाए जाएं और इसको जो ग्रीन ग्रीन में ही निकाला जाए, ना कि ब्राउन में। तो अगर ब्राउन में निकालते हैं तो हम लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जहाँ पे हम ना रहने के लिए घर है, किसी के पास ना रहने के लिए ज़मीनें भी नहीं हैं। जो पाँच पाँच सात सात मरले ज़मीनें थी, लोगों ने घर बनाए हुए हैं और चार चार पाँच पाँच फैमिली हो चुकी हैं, वो कहाँ जाएंगी? बहुत बड़ी ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए हमारा यही उनसे रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है कि हमारा ये मसला हल किया जाए।